सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह आयोजन हो रहा है। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। लाल किले के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद पहली बार लाल किले में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। 400वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, मत्था टेक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चार सौवां प्रकाश पर्व सिख गुरु तेग बहादुर का समारोह में शिरकत करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, मत्था टेक कर अरदास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किले के लॉन में सूर्यास्त के बाद इतिहास में पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की थी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, देश के बड़े सिख नेता इस दौरान मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये खास कार्यक्रम, हर कोई चाहता है मैं सुखी होवा, आत्मक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर कोई सुखी रहना चाहता है। गुरु साहब सुखमय जीवन का एक मंत्र सानू बख्शिश करते ने। गुरबाणी का अगला शब्द गुरु साहब फरमान करते ने, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधर्यो, गन का हु गत पाई। कि उस प्रभु परमात्मा का इलाही नाम सुखदायक है। गुरु साहब सुखमय जीवन का तेनू सुख मिलन एक मंत्र इस नाम दे नाल, परमात्मा दे इलाही नाम सिमरन दे नाल जोड़ना कर। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु घर दे इन्हां 400 महान कीर्तनियां पासों गुरबाणी का इस शब्द सरवण करते हाँ, हर को नाम सदा सुखदायक। हर को
प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
हर को नाम सदा सुखदाई। संगत बहुत प्यार बख्श रही है। आओ धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की अनोखी शहादत की सच्ची साखी जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इलाही बाणी का शब्द श्री हरकृष्ण से आइए बड़े प्यार सत्कार के नाल आओ सारे सरवण करते हैं। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल।
सोच कह रहे थोड़े वालों जी पंज पूरे करो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा फतेह। अज दे इस महान पवित्र दिहाड़े दी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का अज 400वां एक वो प्रकाश पुरब इस दुनिया के उत्ते शायद इस तो अच्छा नज़ारा नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया भर के लोग कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक और पूरी दुनिया के लोग अज देख रहे हैं। तो मैं हिंदी ते पंजाबी च दोवां च गल करन दी कोशिश करूँ ताकि संगतां तक इसका सुनेहा पहुँचाया जा सके। आज का ये समागम देश की सरकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सोच का परिणाम है। जब हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन के रूप में मिलने गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाव जाहिर करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं एक ऐसा समागम देश में कराया जाए जिसका अद्भुत नजारा हो, आसमान से लेकर धरती तक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का नाम गूंजे, दुनिया में हशर हो जाए, दुनिया को पता चल जाए गुरु तेग बहादुर साहिब की कितनी महान कृपा है इस देश के ऊपर, इस मानवता के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। प्रधानमंत्री जी मैं आपको आज बधाई देता हूं, देश की सरकार की सभी मंत्री साहिबान को बधाई देता हूं, हमारे देश के संस्कृति मंत्री माननीय जी कृष्ण रेड्डी जी, माननीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जो आज देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग यहां पहुंचे हैं। मैं इन दोनों शख्सियतों का भी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने अथक प्रयास किए। शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि देश के वजीर सब देश के लोगों को खुद फोन करके निमंत्रण दे रहे थे कि आपने इस देश के समागम में आना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। शायद ही धरती पे ऐसा नजारा दोबारा बांधा जा सकता हो। प्रधानमंत्री जी, देश का हर इंसान चाहेगा, दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी चाहेगा कि शायद मैं ऐसा नजारा बांध पाऊं जहां अकाल पुरख की ऐसी उस्तोतोरी हो, परमात्मा और धरती के बीच में केवल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपमा और बड़ियाई हो रही हो और देश का तख्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को सजदा करने के लिए वहां पहुंचा हो, वो भी उस पवित्र स्थान पे जो गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत का स्थान सामने शीशगंज साहब हो, और दूसरा वो लाल किला जहां से फरमान सुनाया गया हो। शायद दुनिया के अरबों रुपया जमीन जायदाद और दुनिया की कोई ताकत इस नजारे को कायम नहीं कर सकती। आज का ये नजारा प्रतक बताता है ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत हो तभी ये नजारा बांधा जा सकता है। दुनिया में दोबारा नजारा कोई बांध नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, जब कल गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की जीवन की गाथा इस लाल किले के 700 फुट फसाड़ के ऊपर बोल रही थी तो मेरे साथ साथ जितने लोग बैठे थे
चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो, आंखों में आंसू आके रो पड़े देख के, क्या ये नजारा की कल्पना कर सकते हो? उस लाल किले से जहां से शहादत के फरमान सुनाए गए हो, उस लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहिब की जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, ये कोई कल्पना कर सकता था? प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं, और मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे, मैं समय एक मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने एक साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहचाने का काम किया, लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा क्या श्रद्धा और सत्कार के साथ वो करतारपुर साहब का लांगा, जिसकी कल्पना हम केवल अरदास में करते थे, और 75 साल की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी, सिख चाहे खुशी में अरदास करे चाहे शादी में करे, लेकिन उस लांगे को, उस दर्शनों के लिए तरसता था। ये गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु नानक देव जी की आप पे कृपा हुई, आप पे 7 सालों की सरकार के प्रधानमंत्री पे कृपा हुई, वो करतारपुर का लांगा खुल के गुरु नानक देव जी के दर्शन दिदारे हुए, ये देश ने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे, आज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर सरदार हरदीप पुरी जी यहां बैठे हैं, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते हैं और केवल भावना के लिए करते हैं, आज गोरे, इंग्लैंड के गोरे जो कभी हमारे पे हुक्मरान रहा करते थे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने चेयर बनाई, और आज गोरे भी वहां पे गुरु नानक देव जी की उपमा और वडियाई कर रहे हैं। ये आपके कारण संभव हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये कोई सोच नहीं सकता था। मैं सभी आए हुए महानुभावों का जहां धन्यवाद करता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और सरकार सत्कार के साथ जो सम्मान इस देश ने हम सिखों को परिवार दिया है, उस सम्मान के लिए हम इस देश के हर नागरिक के धन्यवाद हैं, जो आज हजारों की तादाद में देश के कोने कोने पे यहां पे पहुंचे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, है तो प्रधानमंत्री बातें करने की नहीं है, पर करनी भी जरूरी होती हैं, हम लोगों को पता भी चलना चाहिए, श्री दरबार साहिब इससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, इनके अंदर कोई विदेश से अपनी सेवा नहीं कर सकता था, पुरानी सरकारों ने बंद कर रखा था, कोई सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी FSCRA की परमिशन सेम डे मिली, और श्री दरबार साहब को भी दुनिया भर से सिख आज नतमस्तक होते हैं। पुरानी सरकारों ने हमारी ये नौबत ला दी कि गुरुद्वारे नतमस्तक ना हो पाए, उसमें भी रोक लगा रखी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो कितने मीलों तक हम सफर करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम के दौरान वहां गए तो इनको यह जानकारी मिली, उसी दिन खड़े खड़े वहां पे ऑर्डर पास किया कि रोप वे बनाओ, गुरु के सिख श्रद्धा से सत्कार से दर्शन कर जा सकें। ये कहा नहीं किसी ने, कहा नहीं, अगर किसी ने कहा है तो खड़ो के बता दे, कहा नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी ने देखा और अपने मन से कहा कि सिख को दर्शन दिदारे करा सके यहां पे हेमकुंड साहब, और रोपवे का काम शुरू किया। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कोटानकोट, शुक्राना है मेरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, हम सब आप सबका एक सपना साकार हुआ है। मैं जहां आपका शुक्रगुजार हूं, आज प्रधानमंत्री जी यहां पे सिक्का जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, एक स्टैंप जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए, जब आप वो सिक्का लेंगे अपने परिवार में, हजारों साल तक वो यादगार हमारे बीच में रहेगी, वो यहाँ पे अभी देंगे। मैं सरदार हरमीत सिंह कालका जी को बेनती करता हूँ वो मंच पर आए और अपने बात धन्यवाद करें, और फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपको साथ डालता रहूँगा। कुछ मिनटों के बाद कीर्तन की दोबारा से भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी पहुँचेंगे, सो मैं बेनती करना सरदार हरमीत सिंह कालका जी ने कृपया करके आऊँ। जुगो जुग अटल,
धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र गोच बैठी गुरु रूप सवारी सात संगत जी फतेह परवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो समुची संगत को साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के 401वें प्रकाश पुरब की लख लख वधाई। वधाई दे पात्र इस संगत जिहड़ी देश के वक् वक् कोनियां तों अज इत्थे आ के अपने गुरु नूं नतमस्तक हो रही है। वधाई दे पात्र देश की केंद्र की सरकार जिन्होंने ये अज का शताब्दी समारोह जिहड़ा लाल किले के उस मैदान के विच रखिया, जिहदियां भावनावां सिखां दे विच बहुत ने, क्योंकि जिस वक्त गुरु का सिख सीसगंज साहब नतमस्तक होण जांदा है उस सामने वह लाल किले नूं देख के दिलों के कई वलवले उठते सी कि वह जगह जिथों साडे महाराज का जिथों शहीदी का फरमान होया उस स्थान नूं देखते सी, और अज उसी स्थान के उत्ते बैठ के गुरु के जस गायन हो रहे हैं। मैं केंद्र की सरकार का और खास तौर करके नरेंद्र मोदी जी का साडे माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा समुची कल्चरल मिनिस्ट्री जी का, और जिन्हों के सारे प्रबंध जिन्होंने कते और देश के अज वक् वक् कोने तो इत्थे संगत नूं बुलाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे सारी दुनिया जानती है कि तेग मल तो 13 साल की उम्र के जिस तरीके तेग बहाई और तेग बहादुर का खिताब उन्होंने उन्होंने पिता जी ने दिता। 26 साल उस तो बाद एक पौरे दे विच बाबा बकाले उन्होंने तप किया और उस तप का सदका उस तो बाद जिहड़ी शहीदी दित्ती, मैं समझदा कि सिर्फ तो सिर्फ उस इबादत का सदका जिहड़ी शहादत होई। जद तक इबादत ना होई कोई शहीदी नहीं दे सकता। और गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी ने जिस तरीके दे नाल शहादतां दित्तियां, मैं समझदा कि अज बहुत वड्डी गुरती अज गुरसिखां नूं मिली है। और उस तो बाद जिस तरीके दे नाल खालसा पंथ की साजना हुई असी सारे उन्हूं जानते हाँ। अज गुरु का सिख इस मैदान दे विच अपनी केंद्र की सरकार दे नाल मिल के जिस तरीके दे नाल ये पर्व मना रहा है, मैं समझदा कि बहुत वड्डा हक सी साडा। इस देश की आज़ादी दे विच जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां, इस देश की संस्कृति नूं बचाने लई जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां, इस देश के उस धर्म ग्रंथां नूं बचाने लई जिहड़ी लड़ाई लड़ी है, इस दे विच बहुत वड्डा योगदान सिख कौम का। और अज सानूं मैं समझदा कि बहुत वड्डी राहत मिली है कि इस स्थान के उत्ते साडी सरकार ने साडी गल सुनदे होए ये प्रोग्राम रखे है। मैं धन्यवाद करांगा प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने हमेशा साडियां गल्लां मनियां। जिस तरीके दे नाल हुणे तुहानूं दस्सिया कि भावें करतारपुर साहब का लांघा होए, ये गुरु नानक देव महाराज की अपनी फिलोसफी कि डायलॉग के सदके इन्नी वड्डी मैं समझदा कि गल हो सकी है। मुमकिन कि बिना किसी तलवार चलाए, बिना किसी बंदूक चलाए इन्नी वड्डी अरदासां जिहड़ियां 70 सालों तो सिख कौम करती सी कि उन्हां पवित्र गुरु धामां दे दर्शन दीदारियां दी जिन्हां नूं असीं पंथ तो विछोड़ चुके सी, अज उन्हां दे बारे जो कुछ किया बहुत कुछ डिटेल गल्लां करन जोगियां जिहड़ियां मेरे तो पहले हुणे सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी उन्होंने कीतियां। मैं 2-3 बेनतियां जरूर होर करांगा प्रधान साहब जी नूं, क्योंकि बहुत वड्डी मंग दिल्ली की संगत की हमेशा रही है, जिहड़ी असीं तुहानूं इक मंग पत्र भी दिता सी कि दिल्ली दे विच सिखां दी अपनी यूनिवर्सिटी होवे, उहदे बारे भी तुसीं सानूं वादा कीता सी कि इहदे उत्ते मैं जरूर काम करांगा। अज देश दुनिया जिथे पर्व मना रही है, गुरु तेग बहादुर साहब का एक मंग होर सिखां दी बहुत वड्डी है। मैं समझदा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम किसी मोहताज नहीं है किसी का किसी दे, मगर देश तो दुनिया तो वख वख कोने तो जब लोग इस स्थान के उत्ते आते हैं दिल्ली के, असी चाहते हाँ कि दिल्ली के उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गुरु तेग बहादुर साहब के नाम के उत्ते पास किया जाए। ऐसिया कई मंगा होर ने जिहड़ियां असी तुहाडे नाल बैठ के भी विचारा करांगे। सिखां दे विच बहुत वलवले ने और बहुत चाव है और आस है, क्योंकि आस उस तो हुंदी है जिन्हें हमेशा तुहाडी गल मन्नी होए और हमेशा तुसी साडियां गल्लां मनियां। कौम दी वड्डी बहुत वड्डियां तुसी ये सानू जिहड़ियां संतुष्टियां दित्तियां ने, बहुत वड्डे कारज कीते ने, मैं उहनां दा धन्नवाद करदा। और मैं आस भी रखदा कि तुसी ये साडियां होर मंगां वी पूरियां कर सको। मैं गुरु चरणां 'च अरदास करदा कि जिस
भावना के नाल तुसी इस पुरब नूं मनाया है। महाराज ताड़ियां हमेशा खुशियां नाल झोलियां भर के रखन, महाराज तुहानूं ऐसी तरीके नाल तंदुरुस्तियां बख्शन तुसी देश कौम की वड्डी सेवा कर सको। मैं एक बार आई संगत का फिर तो लख लख धन्नवाद करदा संगत जिहड़ियां बहुत खेचलों तो बाद, क्योंकि एक सिस्टम हुंदा सिक्योरिटी का, उसके बावजूद भी इन्नी गर्मी दे विच शाम तो आके इत्थे बैठी है। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करदा है ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जथेदार श्री हरिमंदर पटना साहिब जी नूं, वो बेनती करदा मैं केवल कि कृपया मंच ते आउण दी कृपालता करन। मैं बेनती करदा है ज्ञानी हरनाम सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब नूं, वो कृपया करके मंच ते आउण दी कृपालता करन। मैं बेनती करदा है मानयोग सरदार हरदीप सिंह पुरी साहब नूं, केंद्रीय मंत्री साहब नूं, वो मंच ते आउण दी कृपालता करन। मैं बेनती करदा है श्री जी कृष्ण रेड्डी जी को यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। मैं बेनती करदा है सरदार हरजोत सिंह बैंस साहब नू जो पंजाब सरकार दे वल्लों नुमाइंदे दे रूप च इत्थे पहुँचे ने टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर। मैं उन्होंने बेनती करदा है, मैं बेनती करदा है सरदार हरमीत सिंह कालका जी नू कृपया करके प्रधानमंत्री जी नू मंच ते नाल एस्कॉर्ट करके लियाउण दी कृपालता करन। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मैं बेनती करदा है सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं, ओ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों, दिल्ली दियां संगतां वालों, देश भर दियां संगतां वालों, देश के प्रधानमंत्री जी को एक शॉल ते सुरपाओ देकर उन्हों का सम्मान करनगे। मैं बेनती करदा है सरदार भाई हरनाम सिंह खालसा जी को कृपा करके वह भी नाल मंच ते आउण दी कृपालता करन, एक सिरी साहब भेंट करन दी कृपालता करन। बोले सो निहाल। मैं बेनती करदा है जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जी जथेदार तख्त श्री हरिमंदर पटना साहब जी नूं, वो कृपा करके पटना साहब वालों एक सुरपाओ देन की कृपालता करन। ज्ञानी साहब नूं चलो, जगदीप सिंह जी कालो साहब कहो जी, अगे नाल हो जाओ जगदीप सिंह जी कालो साहब नाल उधरों हो जाओ जगदीप जी हरमीत जी। मैं हुण बेनती करदा है, मैं बेनती करदा है पंजाब सरकार वालों सरदार हरजोत सिंह जी बैंस साहब श्री दरबार साहब का एक मोमेंटम के नाल एक शॉल विशेष तौर पर लैके आए ने फुलकारी का, वो देन की कृपालता कर। पंजाब सरकार के वालों सरदार हरजोत सिंह जी बैंस साहब पहुंचे ने, मैं हुण बेनती करदा है माननीय कृष्ण रेड्डी जी नूं, वो कृपया करके मंच ते आउण दी कृपालता करन। और मैं बेनती करता हूँ टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकम्युनिकेशन देव सिंह चौहान जी से, वो एक कॉइन को रिलीज करने के लिए मंच पर आएंगे। सर हरदीप सिंह जी पुरी साहब जयदार साहब नाल हो जी, पीछे खड़े हो जाओ, नाल हो जाओ जयदार साहब नाल हो जाओ ना, उधर एक पासे तुसी हो जाओ, एक पासे हो जाओ। बोले अकाल मूरत अजूनी सैभं
साहब एक स्टैंप नू रिलीज करनगे। प्रधानमंत्री जी एक यादगारी टिकट बोले सोने हो एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। ओ, संगत दे नाल अपने जो भावनावां ने देश दे वल्लों देश दी सरकार दे वल्लों देश दे 125 करोड़ लोगों दे वल्लों जो भावना लेके आए ने वो इस मंच तो हुण सांझा करनगे। मैं बेनती करदा देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं कृपया करके वो संगतां नूं संबोधित करना होना संगतां नूं बेनती करदा है। संगत जी मैं फिर कहां गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा ये अलाही बाणी ये मेरे मालिक वालों बनाया गया ऐसा अद्भुत नज़ारा दुनिया च नहीं देखने को दोबारा मिलना। प्रधानमंत्री जी थोड़े गल कर जा रहे जकारिया के रूप अंदर स्वागत करो जे बोले सोनिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मंचस्थ सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और वर्चुअली दुनिया भर से जुड़े हुए सभी महानुभाव गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी शबद कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान
लाल किले पर हो रहा यह आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। जब गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हुआ था तो गुरु पिता ने कहा था, दिन रक्ष संकट हरण, दिन रक्ष संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वे ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास, यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने
धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है, भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभा मंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए, पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहब और अमृतसर में अमृतसर साहब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न
खड़ा होता है तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। हम न केवल गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीश पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुनी रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं, वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों को किनारे हटाकर गुरुओं ने नए विचार सामने रखे, उनके शिष्यों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सिखा। नई सोच का ये सामाजिक अभियान एक वैचारिक इनोवेशन था, इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे, जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगति, ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा। जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, साधो साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, व्यर्था काहे गवाऊं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा।
फतेह। बोले सोनिहाल। ये कड़ियां थम गए, समा थम गया। प्रधानमंत्री जी ऐ लगा कि 21 तारीख अज दियां कड़ियां इत्थे रुक गया ने। ये नज़ारा देख के वह अकाल पुरख के वलों बख्शिश किया हो नज़ारा, जदों गुरु साहब ने यह फरमान किया श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की सी, उस दिन उन्होंने भी यह कल्पना की होगी कि यदी सरप्रस्ती उपर किसी की सरप्रस्ती नहीं हो सकती, पर अज प्रधानमंत्री जी ने इतने पहुँच के दस दिता है। श्री अकाल तख्त साहिब, प्रधानमंत्री जी यहाँ से तख्ते ताउज बांध कर, जिस तख्त के ऊपर मान था मुगलों को उसको बांध कर हाथियों के साथ श्री अकाल तख्त साहब के चरणों में लेके गए और कहा ये अकाल तख्त सबसे महान सच्चा सुचा ते सब तो ऊंचा है। और तुसी आज इत्थे पहुंच के उस गलती प्रोड़ता की, उस गलते मोहर लाई आ कि श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता उची सी, उची है ते उची, जोर न बोलो ते उची। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं संगतां नूं बेनती करांगा कि अपनी